रो मत, अगर मेकअप उतर गया ना तो बारात वापस चली जाएगी। तो दोस्तों वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे और आपको बड़ी कमाल की वीडियो दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप अपनी हंसी पर काबू ना रख पाएंगे। और ये वीडियो है शादीशुदा के लिए क्योंकि हम लेकर आए हैं शादीशुदा लोगों के लिए कमाल की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो देखे, थोड़ी सी बारात लेट ही हुई कि लड़की ने फोन ही कड़का दिया। वे किथे रह गए, तेरी बरात किथे रह गई आ? की होड़े मर जाने इथे, पकौड़े खा गए सारे लोकां ने, गुलाब जामुन खत्म करतियां ही ओ। दोस्तों जब आपके अब्बा ने कुल्फियां बेच बेच कर पैसे इकट्ठे किए हों और आप उन पैसों को लाकर शादी ब्याह में नाचे और उड़ाएं तो अब्बा मगर आकर आपकी ये शामत जरूर करेगा। एक दोस्त ने अपनी शादी पर अपने अजीज दोस्त को ना बुलाया, जब उसे पता चला तो उसने आकर क्या किया खुद ही देख ले। उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं। इस लड़की का गर्ल ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्शन कर दिया गया, देखिए किस तरह से फिर रिएक्शन हुआ। इस दूल्हे की शादी हो रही थी कि अचानक दोस्त ने फोन किया, फजा जल्दी आ मंडी ते बकरा बड़ा सस्ता लभदा पई। फिर देखे ये दूल्हा किस तरह से वहां पे पहुंचा, आगे सेड़ा सब कुछ पा गए ते बकरा लेने की यार, बकरे तो बगैर होन काम नहीं बनना, तेनु ब्याह वाला अपना मसला हल होया, पेट्रोल पेट्रोल मांगे पवाया किसी को, मांगे पेट्रोल पवाया तो असं उ पहुंचे जाके हाल च बैठे ही बैठे। मौली साहब ने निकाह पढ़ना शुरू किया, नाल ही उन्हें कहा जी कबूल है, मैं कबूल है, पहली बार कबूल किया, दूजे कबूल तो बत्ती चली गई। अच्छा इतने हम बंदा की करे, एक मसला थोड़ी, दो दिन बैठे ने बत्ती नहीं आई, फिर मैंने किसी ने मशवरा दिया कि भाई तू जा तू को दो तीन बकरे कुर्बानी कर दे, दो तीन नाल सदके दे, फिर शायद तेरे को गल बन। जब इश्क किसी और से हो और शादी किसी और के साथ हो जाए तो ये सीन तो बनना ही है। इस भाई को तो आप पता चला कि सिग्नेचर भी करना होता है निकाह नामा पर, तो देखिए किस तरह से पहली प्रैक्टिस कर रहा है। इन भाई को एंड टाइम पे याद आ रहा है कि सिग्नेचर भी करना होता है निकाह नामा पे, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस हो रही है। माशाल्लाह कमरा वगैरह तो सज गया है, बस ये सिग्नेचर सीख गया तो उसके बाद निकाह की सेटिंग करते हैं इंशाल्लाह। इस आदमी को क्रिकेट खेलने और देखने का इतना ज्यादा शौक कि शादी वाले दिन भी नहीं रह गया। जब आपकी मनपसंद के लड्डू आपको दिखाई दे तो आप दूसरे को कैसे खिला सकते हैं भला? हेलो हेलो हेलो। मुस्तफा कुरैशी का घोड़ा दूल्हे को लाकर दिया गया, फिर देखे उसके साथ क्या करता है। कैसा लगा मेरा मजाक? जब आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी आपकी कजन के साथ करवा दे तो उसका फिर रिएक्शन यू निकलता है। चाचे ने चाची को घर में तंग किया, अब चाची शादी वाले घर में चाचे को तंग कर रही है। <laughs>
शादी से पहले शादी के इंतजाम करने वाले के साथ क्या सीन होते हैं खुद ही देख ले। डालिया किथे रह गए? आया यार टाइम नहीं है। हाँ जी जनाब किथे रह गए हो? सारी सजावट करने वाली पई है। एक मिनट यार नहीं दी काल आई जे। ओ यार देखा ले मसाला बोदा ना पई, मैं सिर कलम कर देंगा तेरा। हेलो मैं आ रहा तैयार हूं, बस एक मिनट सिर सबर रखो। मां तो नहीं जाना? क्या शादी वाले दिन आपको भी इस तरह का हार पड़ा है? हाँ या ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप बोलेंगे कि ये रुखसती हो रही है, पर मैं बोलूंगा बाया ये तो किडनैपिंग हो रही है। अपने घर जाना है, मुझे घर जाना। जा 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 कबूतर जा जा जा।